न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार, कप्तान ने किसे कहा हार का गुनहगार, WTC के लिए क्या है रोहित का प्लान। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में भी हार का सामना करना पड़ा। 69 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती। इस हार के बाद फैंस से लेकर खिलाड़ी तक सभी निराश हैं। वही बात अगर रोहित शर्मा की करें तो वह निराश होने के साथ साथ नाराज भी हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित का दर्द सबके सामने आया। मीडिया के सामने रोहित ने उन वजहों का खुलासा किया जिनके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। रोहित ने शुरुआत टीम इंडिया के बल्लेबाजों के साथ की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी बल्लेबाजी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात की भी नसीहत दी कि जो प्लान बना है उसे फॉलो करना होगा। रोहित ने कहा कि हमने वैसी बल्लेबाजी नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। हम जो करना चाह रहे थे वो हमारे बैटर से नहीं हुआ। इसमें किसी की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। इन्हीं प्लेयर्स ने हमें मैच जिताए हैं। सारे बैटर्स को अपना प्लान करना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली इस हार को टीम इंडिया के लिए WTC फाइनल की रेस में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन रोहित का इस बारे में कुछ और ही मानना है। रोहित ने WTC के बारे में कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में अभी से सोचना जल्दबाजी होगी। हमारे पास अच्छा मौका था लेकिन हम चूक गए। हमने जो प्लानिंग बनाई थी हम उसमें सफल नहीं हुए। हम पहले मैच बचाना और फिर जीतना चाह रहे थे। हमारे बल्लेबाज पार्टनरशिप नहीं कर सके। हमें इन कंडीशन में कैसे बेहतर किया जा सकता है ये सोचने की जरूरत है। शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने पुणे की पिच को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि यह पिच वैसी नहीं थी जिस पर कुछ किया जा सके। रोहित के मुताबिक यह ऐसी पिच नहीं थी जहां पर बहुत कुछ हो रहा हो। बात अगर पुणे टेस्ट की करें तो न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 156 रनों पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर 103 रनों की बढ़त मिली थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कीवी टीम के पास बढ़त 301 रन की हो गई। तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल के 77 रनों को छोड़कर कोई भी दूसरा बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। इस दौरान तीन बल्लेबाज तो सिंगल डिजिट पर आउट हो गए। भारतीय टीम के सामने पुणे टेस्ट जीतने के लिए 359 रन का टारगेट था लेकिन खराब बल्लेबाजी के कारण वह ज्यादा वक्त मुकाबला नहीं कर सके। इसके जवाब में रोहित शर्मा की सेना 245 रन ही बना सकी और बेंगलुरु के बाद पुणे टेस्ट भी उन्हें गंवाना पड़ा।